क्या आपको 2024 में स्टूडेंट लोन की तलाश है, स्टूडेंट लोन एप्लीकेशन की तलाश है तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है ना तो भी आप यूपीआई आईडी पर लोन को ले सकते हो और सिंपली रिपेमेंट कर सकते हो। अगर आपका इनकम प्रूफ नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सैलरी प्रूफ नहीं है, बिना किसी भी सारे प्रूफ के आप ले सकते हो ये स्टूडेंट लोन को। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा से एक लाइक कर देना, आपका लाइक बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है। और आपने जिनको भी स्टूडेंट्स लोन की जरूरत है उनको प्लीज शेयर कर देना, हेल्प कर देना, उनकी मदद कर देना उनकी। और यहां पर इस वीडियो के नीचे हेल्प में लिख देना, मैं आपको दो चार और स्टूडेंट एप्लीकेशन की जो लोन प्रोवाइड करता है स्टूडेंटों को वो मैं कॉमेंट में बता दूंगा। दोस्तों वीडियो के नीचे कॉमेंट में जरूर हेल्प में लिख देना कितने लोन की रिक्वायरमेंट है, एक स्टूडेंट्स होने के नाते आप क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपका जरूर बता देना, कहां से हमारी वीडियो देख रहे हो। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा के ऑल पर क्लिक कर देना और देखते हैं कैसे स्टूडेंट्स लोन को हमें लेना है। तो चलिए वीडियोस देगा जिसमें आपको लोन से जुड़ी जानकारी, चाहे आप स्टूडेंट्स हो, सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेस करते हो, आपको लोन से जुड़ी अपडेट देता रहेगा। तो आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के जाइएगा इस वीडियो को देखने के पहले। दोस्तों आपको बता दूं फोन का लोन डॉट इन काफी मदद करेगा, यहां पर ब्लॉग पढ़ के भी आप आसानी से कोई भी प्रकार एनबीएफसी या बैंक में लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग जरूर ये वेबसाइट जरूर विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, डिस्प्ले में देख सकते हो। बारे में बताऊंगा 10,000 तक आप इंस्टेंट मैक्सिमम लोन ले सकते हो 10,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों एक स्टूडेंट भी ले सकता है 10,000 रुपए। मैं बताऊंगा क्या क्या चीज है यहां पर। देखिए इंटरेस्ट रेट की बात करें, एट 0% इंटरेस्ट रेट है स्टूडेंट्स लोन के लिए ये कंपनी दे रहा है इंडिया में इंस्टेंट कैश। अगर आप 1,000 रुपए का लोन 90 दिन के लिए लेते हो जिसमें प्रोसेसिंग फीस 210 रुपए का और इंटरेस्ट रेट 0% पर एनुअम का हिसाब से यहाँ पर देखिए टोटल आपको ये टोटल चार्जेस वगैरह दिखा रहा है और टोटल आपको 1,180 रुपए रिपेमेंट करना पड़ेगा। कुल मिलाकर मतलब इंटरेस्ट रेट तो नहीं ले रहा है लेकिन प्रोसेसिंग फीस वगैरह प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह अलग सा है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये कंपनी का ऐसे ही स्टूडेंट्स लोन प्रोवाइड कर रहा है 1,000 रुपए का, 1,180 रुपए ज्यादा ले रहा है वो भी 3 महीने के लिए। लोन रिपेमेंट देख सकते हो, मिनिमम पीरियड आपको 60 दिन मिल जाता है और मैक्सिमम 150 दिन मिल जाता है, लगभग 6 महीना। तो ये कंपनी स्टूडेंट्स को लोन देता है 24 घंटा 7 दिन, कभी भी आप इंस्टेंट लोन यहां से ले सकते हो। कंपनी का क्या नाम है पूरी जानकारी मैं दूंगा। कंपनी 2018 से रन कर रहा है और 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने यहां पर स्टूडेंट्स लोन को अप्लाई किया। तो दोस्तों कंपनी का नाम है देख सकते हो टू क्रेड स्टूडेंट लोन ऐप, यहाँ पर इसको ओपन कर लूँगा। देख सकते हो कि मेरा यहाँ पर 1,000 रुपये का लोन अप्रूव हुआ है जिसको मैंने यहाँ पर सर्विस चार्ज 82 रुपये और तो टोटल मुझे यहाँ पर 917 रुपये खाते में आएगा और 17 मार्च 2024 को मुझे रिपेमेंट करना है उससे पहले। तो दोस्तों इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के लिए देखिए कंप्लीट यूजर वेरिफिकेशन केवाईसी प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो 1,000 रुपए का लोन मेरा सैंक्शन हो चुका है ट्रू क्रेडिट में। तो सिंपली आपको उस ट्रू क्रेडिट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको अपनी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है। मैं कंटिन्यू करूंगा, कंटिन्यू करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ पर मैं इसको एलो कर दूंगा। एलो करना है क्योंकि अब परमिशन देना है एप्लीकेशन को और कंप्लीट ऑथेंटिकेशन आपको करना है जैसे कि आधार आईडी ऑथेंटिकेशन, पैन ऑथेंटिकेशन, विजुअल ऑथेंटिकेशन, स्टूडेंट आईडी ऑथेंटिकेशन, अपलोड योर स्टूडेंट आईडी कार्ड, जो भी कॉलेज आईडी कार्ड वगैरह आपका है, एडमिट कार्ड जो भी है चीज है वो आप आईडी कार्ड को यहां पर अपलोड कर सकते हो, कॉलेज डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन। तो आधार पैन कार्ड तो मास्ट यहां पर लग रहा है, उसके साथ साथ स्टूडेंट का भी प्रूफ लगेगा आपको। उसके बाद कंटिन्यू ऑथेंटिकेट करना है आपको और आप इस लोन को ले सकते हो। जैसे कि मुझे 1,000 रुपए का लोन दिया है लेकिन दोस्तों यहां पर इस लोन को मैं अभी नहीं ले रहा हूं, बस आपको बताना था कि स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट एप्लीकेशन काफी मदद करेगा। अगर आप कोई अच्छी लोन एप्लीकेशन की तलाश कर रहे हो जो भी स्टूडेंट को मिलता है तो दोस्तों स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन होगा। देख सकते हो इंटरफेस कैसा है स्टूक्रेड, ठीक है। से साइन अप करिए और चूज सिलेक्ट योर कॉलेज, ईमेल डोमेन और इंटर योर ईमेल आईडी। तो यहाँ पर चूज योर कॉलेज यहाँ पर देना है, फिर आपको ऐसे ही करके जैसे मुझे 1,000 रुपये का मिला है, 10,000 तक का मैक्सिमम मिलता है दोस्तों, लेकिन शुरू शुरू में आपको लो लिमिट मिलेगा और जैसे जैसे आप यहाँ से लेते रहेंगे, भरते रहेंगे, लेते रहेंगे, रिपेमेंट करते रहेंगे तो आपको लिमिट यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा और 10,000 तक का मैक्सिमम लोन यहाँ पर आप ले सकते हो। इससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छे से इम्प्रूव होगा और दोस्तों आगे चल के आपको बैंक से भी बड़ा जब भी आपको जरूरत पड़ेगा लोन मिलेगा। सिविल स्कोर के ऊपर ही डिपेंड करके दोस्तों लोन सैंक्शन होता है, आपको पता है
सिविल स्कोर जिसका बढ़िया है उसको बढ़िया अमाउंट मिलता है और कम इंटरेस्ट में मिलता है। तो आप अपना सिविल स्कोर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हो तो स्ट्रूकेड एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करूंगा आपको इस वीडियो से मैं समझा पाया हूँ कैसे एक स्टूडेंट को एप्लीकेशन, कौन सी एप्लीकेशन बढ़िया है स्टूडेंट के लिए लोन लेना। और ऐसे ही अगर आपको वीडियोज रोजाना चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना देखने के साथ साथ, और मिलते हैं अच्छी न्यू वीडियो के साथ जहां पर मैं बताऊंगा लोन लेके या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके या कोई भी बैंकिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए चलता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।